साध्वी रितंबरा ने राम मंदिर के लिए मांगा निधि और दान, महालक्ष्मी मंदिर से आह्वान, राष्ट्र मंदिर के लिए करें योगदान। रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि संकलन का कार्य तेज हो गया है। कोपरखेरना के महालक्ष्मी मंदिर में आज इसी उपलक्ष में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाली साध्वी रितंबरा दीदी ने राम भक्तों और नवम्बईकरों से निधि देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई है, इसलिए वहां भव्य श्री राम का मंदिर बने, यही सबका लक्ष्य है। साध्वी रितंबरा दीदी ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें श्री राम के इस महाकाज में स्वयं की भक्ति और शक्ति को समर्पित करने का मौका मिला है। लोग कहते हैं कि अच्छे पुण्यों का, अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है, पता नहीं कब मिलता है, अगले जन्म में मिलेगा, तब मिलेगा, तब मिलेगा, लेकिन प्रभु राम जी के लिए कार्य करने का ये फल तत्काल मिलता है कि संत दर्शन मिलता है। मैं महापुरुषों के बीच में आके धन्य हुई हूँ। आप सब जानते हैं श्री राम जन्मभूमि के इस अभियान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एकात्मता के सूत्र में बांधा है। एक साथ होना, एक साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य होता है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है, अकेले हम अहम हैं, मिल जाए तो वयम है, और अकेले हम आत्मा हैं, मिल जाए तो परमात्मा है। इस संत सम्मेलन में कई धर्मों के संत सदगुरु और भक्ति भावित जन उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद के नवम्बई संयोजक लाल मलिक एवं अन्य धर्मगुरुओं ने इस संत सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन अभियान चल रहा है। हमारा मकसद समाज के हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ना और उसका योगदान लेना है, ताकि वह भी इस राम मंदिर के रूप में बन रहे राष्ट्र मंदिर के निर्माण में सहभागी बन सके। कार्य के निमित्त आज नवी मुंबई में नवी मुंबई जिला का एक संत सम्मेलन का आयोजन यहाँ कोपरखेरना के महालक्ष्मी मंदिर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत और महंत कई सारे लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ था। और इसी कार्यक्रम में सभी संपन्न और जो देने में सक्षम है, अपने हिंदू समाज से अपील करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए संत श्रोमणि पूज्य श्री दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी भी पधारे थे। उनका काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा, पूरे हिंदू समाज के साथ आग्रह किया उन्होंने कि जो अयोध्या में श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें सभी हिंदुस्तान के हर नागरिक का हाथ लगना चाहिए। खारीचा वाटा आपण म्हणतो, त्या हिशोबाने प्रत्येकाने त्याचा योगदान दिला पाहिजे। त्याच्या निमित्ताने हा संत संमेलन ते आयोजित केला होता। तिथे आता 50 वर संत आले होते। प्रभू रामचंद्रांचंच कार्य असणारं हे कार्य असल्या कारणाने हे कार्य सिद्धीस जाणारच आहे, परंतु या कार्यामधला माझा खारीचा वाटा आपण सर्वांनी ओळखून या कार्य सहभागामध्ये आपण आपलं योगदान द्यायचं आहे। ये योगदान जे आहे ते धनरूपाने असेल, प्रत्यक्ष आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून लोकजागृती या रूपाने असेल, पण प्रभू रामचंद्राच्या या कार्यामध्ये आपण कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने उपस्थित राहून आपलं योगदान या ठिकाणी द्यायचं आहे। कारण हे भव्य होणारं मंदिर हे केवळ मंदिर नसून हे राष्ट्र मंदिर आहे। कारण प्रभू रामचंद्रांचे जे आदर्श आहेत, त्यांचं जे वचन आहे, त्यांनी जो आचरण करून दिलेला मार्ग आहे, तो मार्गच या राष्ट्राला सर्वोन्नतीकडे घेऊन जाणार आहे। त्यामुळे सर्व समस्यांचं समाधान, सर्व समस्यांचं सोल्यूशन म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र आहेत, त्यांचं आचरण आहे, आणि या अर्थाने आपण या ठिकाणी राम मंदिर करत आहोत। बता दें की नवंबर में 15 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निधि संकलन अभियान चला रहे हैं। वे घर घर जाकर नागरिकों से प्यारे राम हमारे राम का नारा देते हुए योगदान मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।